श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश कुमार चंदेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया के निर्देश में एवं श्रीमान एसडीओपी महोदय दीपक तोमर के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान थाना प्रभारी पिछोर गब्बर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बसई रोड नया चौराहा पुलिस सहायता केंद्र के सामने वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी द्वारा ने वाहन चेकिंग एक लाल रंग की हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल बिना नंबर की मोटरसाइकिल चालक को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना नाम निवासी नयागांव बताया, जिसकी पुलिस को कई अपराधों में तलाश थी। आरोपी को गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने चोरी की हुई 6 मोटरसाइकिल कबूल की है। जब्त मोटरसाइकिलों की कीमत लगभग 3 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पिंटू यादव निवासी नयागांव खनिया थाना पर चोरी का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। ये क्या है कि हमारे यहाँ एक अपराध चोरी का पूर्व से एक अपराध पंजीबद्ध था, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार होकर के जेल जा चुके थे। इसमें एक आरोपी पिंटू यादव काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। उस आदमी को कल वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और उसके पास एक मोटरसाइकिल मिली थी जो कि एक अपराध में चोरी से संलिप्त थी। उसे चूँकि गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की गई तो उससे 5 मोटरसाइकिलें और जब्त की गई जो विभिन्न जगहों से हैं, ललितपुर टीकमगढ़ उस साइड से भी चोरी करना बताया गया है, जिन्हें जब्त करके आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। कितनी मोटरसाइकिलें? अभी तक उससे 6 मोटरसाइकिलें जब्त हो चुकी हैं। लगभग टोटल कीमत कितनी होगी? करीब ये होंगी 3-1 लाख रुपए की।